हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज के बारे में। बिल्स पेबल की जर्नल एंट्री ऑलरेडी अपन ने देख ली है, तो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा तो आप जरूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑलवेज मेरा कोई भी सेशन देखिए, जरूर से देखिए, आपको काफी सारी हेल्पफुल चीजें वहां पे मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन बेटा। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस अमेजिंग चैनल को। चलिए बेटा, बिल्स रिसीवेबल के बारे में बात करते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या है, किसके पास होता है और उसकी जर्नल एंट्री अपने को कैसे करनी है। बिल्स रिसीवेबल की बात करें बेटा, तो अनुराग, हमने ये ट्रांजेक्शन को समझा था फर्स्ट सेशन में। हाँ बेटा, अनुराग ने क्या किया था, सेल किया था प्रतीक को। अनुराग को पैसे लेने थे, अनुराग इज अ क्रेडिटर था, ठीक है, वो सेलर था, वो क्रेडिटर था, अनुराग को पैसा लेना था, इसीलिए अनुराग ने एक बिल ड्रॉ किया और किसको दिया, प्रतीक को दिया। प्रतीक ने उसे एक्सेप्ट किया और वापस दिया अनुराग को। तो ये जो बिल है वो प्रतीक के लिए है बिल्स पेएबल, जबकि अनुराग के लिए है ये बिल्स रिसीवेबल, मतलब इस बिल के कारण अनुराग को पैसे मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले, इसलिए बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, आने वाले हैं भैया इस बिल से पैसे, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखो बिल्स पेएबल की तरह यहां पे भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको परचेज एंड सेल का ट्रांजेक्शन दिया है तो सबसे पहले आपको उसकी जर्नल एंट्री मारने की, ठीक है। अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं दिया तो सीधा आप बिल्स रिसीवेबल से जर्नल एंट्री कर सकते हो। यहां पे मैं आपको सेल का ट्रांजेक्शन भी लिखवाऊंगा, इसके साथ अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन बिल्स रिसीवेबल की जर्नल एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेल का ट्रांजेक्शन करते हैं। हम ये बिल्स रिसीवेबल कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुराग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने सेल किया है तो हम सबसे पहले सेल की जर्नल एंट्री करेंगे। आप बोलोगे भैया कैश सेल या क्रेडिट, अरे मेरे भाई कैश सेल होगा तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब ही कहां से, क्रेडिट सेल होगा उसके सामने तो अपने को बिल्स रिसीवेबल मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो बिल्स रिसीवेबल की जर्नल एंट्री करते बेटा, आ जाइए बिल्स रिसीवेबल की जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। दो एंट्री सबसे पहली, एक तो सेल वाली, ठीक है, एक तो सेल वाली अपनी रहेगी। तो सबसे पहली जनरल एंट्री कौन सी रहेगी, सबसे पहली अगर मैं सेल की जनरल एंट्री की बात करूं बेटा, तो योर जनरल एंट्री विल बी, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं सेल, ठीक है। तो सेल की जनरल एंट्री अपनी क्या होगी, ठीक है, डेबिट अपन किसे करेंगे भैया, जो भी पार्टी होगी उसको डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे भैया, अपन टू सेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पे जर्नल एंट्री कर लेते हैं सेल टू पार्टी, आ जाओ, या फिर अपन डेटर भी लिख सकते हैं। चलो तो डेटर अकाउंट डेबिट सेल टू पार्टी, थोड़ी पार्टी टू सेल, अल्लाह दिमाग हिल चुका है, डेटर अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे बेटा, टू अपन यहां पे करने वाले हैं सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब दूसरी अपन जर्नल एंट्री किसकी करेंगे भैया, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, हाँ भैया ये ट्रांजेक्शन था सेल का ट्रांजेक्शन। देखो अब जैसे आपने सेल किया, ये आपका बैलेंस शीट बना, ठीक है, डेटर आपको इधर दिखेगा डेटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 3000 का डेटर है, ठीक है, तो आपको डेटर इधर दिखेगा। हाँ अब डेटर ने बिल्स को एक्सेप्ट किया, मतलब अनुराग ने बिल दिया और प्रतीक ने बिल को एक्सेप्ट किया और वापस दिया। अब जैसे ही वापस दिया तो डेटर हट जाएगा और डेटर की जगह क्या आ जाएगा, बीआर आ जाएगा। हमारे लिए वो बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल आपका आ जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है बेटा, तो अभी अपन क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल जो अपने पास आएगा उसकी अपन जर्नल एंट्री यहां पे करने वाले हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो उसकी जर्नल एंट्री अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूसरी जर्नल एंट्री अपन करेंगे, डेटर को हटाएंगे और बिल्स रिसीवेबल को लाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बीआर, हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं बीआर की, और इसकी जर्नल एंट्री आपकी बनेगी ये जो जर्नल एंट्री है वो आपकी बनेगी। बीआर आपके लिए क्या बनेगा, बीआर आपको क्रिएट करना है, बिल्स रिसीवेबल आपका क्या है भैया, असेट है, तो वो क्रिएट करना है, करंट असेट है, तो उसको अपन डेबिट करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा बेटा,
टू अपना हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, क्योंकि अभी आपको डेटर को हटाना पड़ेगा। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करेंगे कि आपको इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो अब मैं आपको यहां से चार हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है। आपके कितने चार केसेस, बिल्स रिसीवेबल के कितने केसेस होते हैं भैया? चार केसेस होते हैं, आपको पता है भैया चार केसेस होते हैं? हाँ भैया हमको पता है चार केसेस होते हैं, ठीक है। तो वो केसेस कौन से होते हैं वो भी शायद आपको पता ही है। चलिए तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक केस को लेते हैं और उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका केस था, आ जाइए, और वो अपन लेते हैं रिटेन। मतलब अगर आप बिल्स रिसीवेबल अपने पास ही रखते हो, देखो ये दोनों एंट्री तो सेम होने वाली है, कॉमन, मतलब चारों चार में कॉमन होगी, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये तो आपकी कॉमन ही रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिटेन की जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इट्स अ रिटेन। तो अगर आप रिटेन कर रहे हो तो यहां पे आपको कोई भी जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपने पास बिल रख रहे हो तो बिल रखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, मतलब आपने को बिल मिल गया उसकी जनरल एंट्री कर ली। सबसे पहली सेल की जनरल एंट्री करेंगे, अगर आपको सेल का ट्रांजेक्शन दिया है, अदरवाइज बीआर से सीधा शुरू करेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब अपने को क्या करना है बेटा, अब अपने को सीधा क्या करना है, रिटेन। रिटेन में कोई भी जनरल एंट्री नहीं आएगी। अब रिटेन में दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपने तीन महीने तक रिटेन किया अपने पास बिल, और तीन महीने के बाद आप प्रतीक के पास गए, अनुराग प्रतीक के पास गया और बोला कि मुझे पैसे दे दे, ठीक है। अगर प्रतीक पैसा दे देता है तो उसे बोलते ओनरिंग ऑफ द बिल, अगर वो पैसा नहीं देता तो उसे बोलते डिसओनर ऑफ द बिल। तो सबसे पहला केस अपन लिख लेते हैं ओनर वाला, कौन सा बेटा लिखते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं ओनर ऑफ द बिल। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक दो तीन चार पांच जितना मैं लाइन छोड़ देता हूं, ओनर, ठीक है। अगर ओनर हो जाएगा मतलब पेमेंट हो जाएगा, अगर पेमेंट होगा तो क्या होगा, हम किसकी बुक में कर रहे हैं, अनुराग की बुक में, अनुराग को पैसा मिलेगा, हाँ भैया मिलेगा। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अब बिल्स रिसीवेबल को हटाना पड़ेगा तो जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, जनरल एंट्री अपनी हो जाएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मेरे को और जूम करना चाहिए, चार केसेस अदरवाइज मैं इतने में ले नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा अगर ओनर होगा तो क्या होगा, कैश एंड बैंक, कैश मिल जाएगा, कैश या तो बैंक, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा भैया, टू बिल्स रिसीवेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पहले वाला। अब बिल्स रिसीवेबल को आपको हटाना पड़ेगा, दैट्स योर करंट असेट, असेट को हटाने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। दूसरा हो सकता है कि भैया डिसऑनर हुआ, हो सकता है कि डिसऑनर हुआ, मतलब प्रतीक ने क्या किया, मना कर दिया भैया पैसा नहीं दूंगा, ऐसा बोल दिया। अब देखो पैसा मिले या ना मिले, बिल्स रिसीवेबल मैच्योरिटी पे उसको खत्म करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल को हटाने के लिए उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, मतलब यहां पे आपको डिसऑनर के केस में भी बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा, वो तय है। बट कैश मिला नहीं, मैं डेबिट किसको करूं, अनुराग ये सोच रहा है मेरे को तो कैश मिला ही नहीं तो मैं डेबिट किसको करूं। अगेन हम किसको डेबिट कर देंगे, जिस नेम से जो डेटर था उसी का नाम अपन क्या कर देंगे, यहां पे लेके आ जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हमारी दूसरी जर्नल, मतलब डिसऑनर अगर होगा तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, वेरी सिंपल, जैसे हम बिल्स पेएबल में क्या करते थे क्रेडिटर को वापस लेके आते थे, उसी तरह हम यहां पे डेटर को वापस लेके आएंगे। तो यहां पे अपन जर्नल एंट्री करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट। टू अपन क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल कर देंगे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट मैंने लास्ट सेशन में एक कॉन्सेप्ट समझाया था जिसमें था बेटा आपका नोटिंग चार्जेस, क्या था बेटा नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है भैया, नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर बट बेयर बाय ड्रॉई, पूरा अच्छी तरीके से समझाया था ट्रांजेक्शन, ठीक है, पेड बाय ड्रॉवर बट बेयर बाय ड्रॉई,
इसका मतलब ये होता है कि मैं अनुराग हूँ, ठीक है। अब ऐसा सोचो, मतलब अनुराग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप क्या हो, अनुराग हो, आपको प्रतीक से पैसा लेना था, आपने उसको दिया बिल, उसने भैया ना बोल दिया, आप कोर्ट के पास गए, ठीक है, और आपने क्या बनवाया, नोटिंग करवाया, ठीक है, तो उसको क्या लगा, नोटिंग चार्जेस पे किसने किए भैया, अनुराग ने किए, तो अनुराग का कैश इन बैंक गया कि नहीं गया, गया भैया, कितना, 300 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 3,000 लेने थे, 300 रुपए नोटिंग चार्जेस। अब अनुराग को कितने लेने प्रतीक से, सर अभी अनुराग को लेने हैं भैया 3,300, मतलब वो प्रतीक को कितने से डेबिट करेगा भैया, 3,300 से, तो यहाँ पे 3,300 आना चाहिए, क्या आपको ये समझ में आ गया। हाँ, अब बिल्स रिसीवेबल मौके में 3,300 कर सकता हूँ, मेरे को ये बताओ, अरे भैया नहीं कर सकते, काय को नहीं कर सकते, आपके बैलेंस शीट में अगर बिल्स रिसीवेबल 3,000 का बोल रहा है, जो असेट 3,000 की, उसको रिवर्स आप कैसे ज्यादा से कर सकते हो। आई होप आपको ये लाइन अभी याद आ रही है, ये लाइन, ये गलत वाली नहीं, ये वाली लाइन आपको याद आ रही है, नोट लिखवाई थी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और बिल्स सेंट फॉर करेक्शन कैन क्रिएट एट अ सेम अमाउंट, कैन कैंसल एट अ सेम अमाउंट विद विच इट वॉज क्रिएटेड, जो अमाउंट से क्रिएट हुई उसी से कैंसिल हो सकती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप 3,000 ही लिखोगे, तो आप बोलोगे भैया बाकी के 300, अरे आपने कैश पेमेंट किया कि नहीं, हाँ भैया किया, तो कैश गया कि नहीं गया, तो कैश को जाता है तो क्या करते, क्रेडिट करते, तो 2 क्या करेंगे, 2 कैश एंड बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे भैया, नोटिंग चार्जेस कितना, 300। आई होप आपको समझ में। समझ में आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा भैया, ये आपका 300 रुपए का नोटिंग चार्जेस, तो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा, कैश एंड बैंक, और ब्रैकेट में इधर लिख देंगे भैया, ये किसका है भैया, ये आपका है भैया नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैंने आपको एक केस समझा दिया, चार में से चार केस है, कौन से, पहला रिटेन है, सारे समझाऊंगा, ठीक है, उसमें अगर ओनर हो जाएगा, मतलब अगर आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो कैश एंड बैंक, 2 बिल्स रिसीवेबल, अगर पैसा नहीं मिला तो डेटर अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल, 2 कैश एंड बैंक, अगर आपका नोटिंग चार्जेस है तो, इफ एनी, अगर है तो भैया, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो इस तरीके से आएगा। पहले मेरे को देखने दो आपकी कमेंट की, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, मेरे को बताओ एक बार, एक सेकंड में देख लेते हैं भाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा, ये आपको समझ में आ गया। अभी अपन बात करते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अब दूसरा केस ले लेते हैं, एंड दूसरा केस जो आपका है, मेरे को इधर जगह चाहिए ना, अलग अलग कर, ठीक है, अभी यहां पे मेरे को लेना पड़ेगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने भैया, आपको काफी सारे बिल मिल रहे हैं, ठीक है, आपको काफी सारे कस्टमर से बिल मिल रहे हैं। अभी देखो, आप यार भूल जाते हो, आप अपना धंधा करोगे कि बिल को डिस्काउंट करवाते जाओगे, तो आप क्या होता है भैया, आप भूल जाते हो। अब आप अगर भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, बैंक को दे दिया कि भैया बैंक ये ना बिल रख तेरे पास, जैसे ही मैच्योर हो तो कलेक्ट कर लेना, बट बैंक मुफ्त में तो करेगी नहीं भैया, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, आपसे कुछ चार्ज लेगी, ठीक है। अब उसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, बैंक प्रतीक के पास जाएगी, प्रतीक पैसा देगा, प्रतीक पैसा नहीं देगा, ठीक है, आप अनुराग हो, ठीक है, सामने वाला पैसा देगा, सामने वाला पैसा नहीं देगा, अगर पैसा देगा तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं देगा तो क्या होगा, उसके बारे में अपने को बात करनी है। सबसे पहला लिख देता हूं मैं यहां पे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, अगर बिल सेंड किया कलेक्ट करने के लिए तो जर्नल एंट्री क्या आएगी। ओके, मैंने बिल सेंड किया, यानी कि मैंने को बैंक को दिया, ठीक है, अब जैसे ही मैं बैंक को दूंगा ना, तो यहां पे आपको क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल को हटाना है, क्योंकि अब मेरे को ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ, आपकी बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, अब सिंपल सी बात है कि आपके पास बिल्स रिसीवेबल है अभी आपके पास, आप बोलोगे नहीं भैया है तो नहीं, मैंने तो बैंक को दिया है, तो आप कैसे लिख सकते हो कि आपके पास BR है, लिख सकते हो भैया, नहीं लिख सकते, तो मैं क्या लिखूं, बट मेरी तो असेट है, भले ही बैंक के पास है, आपने क्या किया है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो एक अकाउंट ही बना दो ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कि आपने कितना कलेक्ट करने के लिए बिल भेजा है,
हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो ये भी क्या है आपका असेट ही है। तो क्या करना है, सिंपली बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे असेट को दिखाने के लिए। टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो गया ना बैंक के पास, गया ना आपके पास, क्या है बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, तो अब आप डेबिट क्या करोगे, बिल्स बिल्स सेंड फॉर। ओ माय गॉड, बिल्स, अभी एक काम करूं मैं शॉर्ट में लिखूं समझ में आएगा, रे बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, बीएससी लिखूंगा, ठीक है अभी बीएससी लिखूंगा मैं, ये इजी रहेगा भाई। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, बिल्स, आई लव बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू करेंगे बिल्स रिसीवेबल। अभी चलो यहां पे तो समझ में आ गया, अभी बात आती है ओनर की, ठीक है। ओनर मतलब बैंक ने क्या किया, बैंक गई भैया प्रतीक के पास, सामने वाले पर्सन के पास, और सामने वाले पर्सन ने पैसा दे दिया। अब पैसा दे दिया भैया, बैंक को पैसा दे दिया, मतलब इसका मतलब ये कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया होगा। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो मेरे को ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भैया आ रही है, ठीक है। आपके क्या हो गया भैया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। हाँ भैया डेबिट करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री देखो, ओनर ओनर आप समझ जाओगे ना, अभी मैं यहाँ पे सब जगह नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया टू क्या करोगे आप, टू आप करोगे भैया बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्या करोगे बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब देखो इस ट्रांजेक्शन को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ये अनुराग है, ये प्रतीक है, प्रतीक से पैसा लेना था, ठीक है। अनुराग ने बिल किसको दिया, बैंक को दिया, बैंक किसके पास गई, प्रतीक के पास गई, पैसे लेके आ गई। अब देखो 3000 बैंक के पास आ गए, बट बैंक ने क्या किया, मैं चार्ज लूंगी कितना, 100 रुपए। तो बैंक ने आपके अकाउंट में कितना डाला होगा मेरे को ये बताओ। अब लोग भैया ये तो सिंपल सी बात है, उसने 2900 हमारे बैंक में डाला होगा, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए भैया, 2900 से, 2900 से। बट सर सिंपल सी बात है, आपने हमें सिखाया था, आपने ही हमें सिखाया था भैया कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन कैन कैंसल एट सेम अमाउंट विद विच इट वॉज क्रिएटेड, जो अमाउंट से क्रिएट हुआ उसी अमाउंट से भैया बंद होगा। भैया हमने यहाँ पे कितने से बनाया, 3000 से बनाया अपना बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन 3000 से बनाया, क्यों, क्योंकि बीआर को हमने क्लोज किया सेम अमाउंट से, उसी अमाउंट से हमने क्या बनाया, बीएससी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब आप कह रहे हो कि सेम अमाउंट से बंद होगा, तो बीएससी भी सेम अमाउंट से, मतलब 3000 से बंद होना चाहिए। तो भैया मैं ये 100 रुपए में किधर डालूं, बेटा सुनो ये कलेक्ट करने का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, आए ला सिंपल से क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। तो ये क्या है आपका खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ भैया करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 2900, और एक और चीज को डेबिट करेंगे, दिस इज कमीशन, कितना भैया 100 रुपए। टू का करेंगे, टू हम करेंगे भैया, टू हम इधर का करेंगे, टू अदर अपन करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कितना भैया 3000। और समझ में आ रहा है कि नहीं ससुरा, वो बताओ हमको, वो ससुरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, एकदम से समझ में आ गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला, मेरे को एक बार आपकी कमेंट देखनी है, बीएससी के लिए बता दो, बीएससी के लिए कमेंट आप मेरे को बता दीजिए। ओके आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए भैया मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, ठीक है अमाउंट मैं नहीं लिख रहा, तो आप वो समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पे मैं ब्लैक से डॉट कर देता हूं, अभी डॉट करने का मतलब ये है कि भैया अगर होगा तो आएगा, इफ एनी मतलब अगर कमीशन होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं। चलिए एक और चीज देखते हैं भैया, अगर डिसऑनर हुआ तो, अल्लाह थैंक यू सो मच बेटा, अगर डिसऑनर हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है
अगर डिसऑनर हुआ तो हम भैया क्या करें, हमें ये बताओ। देखो अगर डिसऑनर होगा, अगर आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या हुआ, डिसऑनर हुआ तो आप डेटर को डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ भैया हम डेटर को डेबिट करेंगे। तो डेटर अकाउंट को क्या करेंगे, डेटर को डेबिट करेंगे क्योंकि उससे पैसा लेना है, क्योंकि उसने नहीं दिया तो अभी बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो हटाना ही पड़ेगा। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, समझ में आई? अगर नोटिंग चार्जेस होगा तो वो आपका कैश एंड बैंक भी आएगा, सेम टू सेम सिमिलर एंट्री होगी। कैसी सिमिलर होगी देख लो, डेटर अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, एक तो बिल की अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अगर है तो। टू में क्या करूं, बिल्स रिसीवेबल करूं क्या? अरे ना बाबा ना, बिल्स रिसीवेबल तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल ग्रीन वाला देखो एंट्री, अब ये तो हटा है भैया। अब क्या है अपने पास, आपके बैलेंस शीट में बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन करेंगे टू, ठीक है? जितने अमाउंट से क्रिएट हुआ उतने से ही अपन क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। अगर कोई नोटिंग चार्जेस है और आपने पेमेंट किया है तो क्या होगा, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और यहां पे भी क्या लिखोगे, सेम टू सेम ऐसे एरो करके क्या लिखोगे, सेम टू सेम लिखोगे भैया, क्या लिखोगे, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको आगे समझा दिया, तो अभी मैं बारी बारी मतलब सेम टू सेम चीज दो बार कैसे समझाऊं। अभी देखो इतना देख लो भैया, इतना देख लो, पहला था रिटेन, रिटेन का तो कोई नहीं होता भैया एंट्री, क्योंकि आपको ऑलरेडी बिल मिल चुका है, ठीक है? तो पहला एंट्री क्या था, सेल का था, डेटर टू सेल। दूसरा एंट्री बी आर टू डेटर, ठीक है? अब देखो ये सिनारियो में क्या हो रहा है, देखो ये आपका बैलेंस शीट है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये आपका डेटर है, कितना, 3000 का, ठीक है? आपको बिल मिला, आपने डेटर को हटाया, हटा सावन की गटा, आपने भैया डेटर को हटाया, डेटर को हटा के आपने क्या कर दिया, बी आर कर दिया, ठीक है? अब बी आर अगर आपको मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो बी आर को क्रेडिट करके हटा दिया, अगर मिला तो कैश एंड बैंक से टू बी आर कर दिया, अगर नहीं मिला तो डेटर से बी आर कर दिया, ठीक है? अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आप क्या करोगे, बी आर आप पहले से ही हटा देते हो और इसकी जगह क्या लेके आ जाते हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर पैसा मिला तो भी बी एस सी हटाएंगे, अगर पैसा नहीं मिला तो भी बी एस सी हटाएंगे, क्योंकि अब बी आर तो है ही नहीं ना, तो हटाओगे क्या, जो है आपके बैलेंस शीट में क्या है, बी एस सी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। अगर आपको दो केस समझ में आ गए तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थर्ड केस, ठीक है? चलिए थर्ड केस की ओर बढ़ते बेटा, रेडी? आजा, अभी आता है बेटा आपका थर्ड केस, और थर्ड केस में आपका यहां पे लेने वाला हूं, एक और केस ले लेते हैं, एंड अपन लेते हैं एंडोर्समेंट वाला ले लेते हैं। मैं बैंक बैंक वाला साइड में नहीं, मतलब बाजू में नहीं रख रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप ना लुढ़क जाओगे कि भैया ये मतलब कैसे हो रहा है, काहे हो रहा है। आज यहां पे ले लेते हैं एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, ये अनुराग है, ये प्रतीक है भैया, ठीक है? पैसा लेना था, बिल मिल गया अनुराग के पास, अब अनुराग को पैसा देना था श्रुति को, तो अनुराग ने बिल किसको दिया, श्रुतु को, श्रुतु नहीं श्रुति, ठीक है? श्रुति को बिल दिया, समझ में आता है? श्रुति को क्या दिया, बिल दिया। अब बिल जब दिया तब बी आर तो जाएगा, मतलब टू बी आर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल की आपकी असेट है, उसको हटाने के लिए उसको क्रेडिट, मतलब टू बी आर तो करना पड़ेगा। अब आप डेबिट किसे करोगे, श्रुति को, ठीक है? क्यों श्रुति को डेबिट करोगे भैया, उसको पैसा देना बाकी था, अब हमने उसको पैसा दे दिया, तो जिसको पैसा मिला उसका अपन अकाउंट डेबिट करेंगे, हमने श्रुति को पैसा दिया तो श्रुति को क्या करेंगे, श्रुति अकाउंट डेबिट करेंगे। बट उसके बाद भी दो केस हो सकते हैं, कौन से, श्रुति प्रतीक के पास गई पैसा लेने के लिए, प्रतीक ने पैसा दिया, सेकेंड केस पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले एंडोर्समेंट की एंट्री कर देते हैं, एंडोर्समेंट की एंट्री अपन ग्रीन से करते हैं। आ जाइए, एंडोर्समेंट की आपकी कुछ एंट्री इस तरीके से होगी, कैसे होगी, क्रेडिटर आपका, श्रुति क्या है, आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट करना था और आपने पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करोगे या नहीं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे, टू आप करोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि आपके हाथ से अभी तो बिल गया ना भाई, अभी आपके पास थोड़ी बिल है, अभी तो आपने बिल दे दिया। चलो यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करते था, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए। चलो आ जाओ,
अभी क्या होगा भैया? भैया अभी होगा या तो आपका ओनर होगा या तो डिसओनर, या तो आपको पेमेंट मिल जाएगा या तो नहीं। अगर श्रुति को पैसा मिल गया, अगर श्रुति को पैसा मिल गया भाई, अब देखो ये अनुराग, ये प्रतीक, प्रतीक ने बिल बिल दिया, मतलब अनुराग ने बिल दिया, पी ने एक्सेप्ट किया, प्रतीक ने एक्सेप्ट करके अनुराग को दिया, अनुराग ने श्रुति को दिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया देखो, ऊपर वाली एंट्री में हमने क्या किया, क्रेडिटर को हटा दिया, बिल्स रिसीवेबल को भी हटा दिया, ठीक है, हमने दोनों को हटा दिया। अब हमारे बुक में कोई भी नहीं है, ना तो श्रुति है ना तो बिल्स रिसीवेबल है, दोनों को हमने हटा दिया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने उसको डेबिट करके हटा दिया, और भैया बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट करके हमने हटा दिया, दोनों को हटा दिया। अब श्रुति गई प्रतीक के पास, और प्रतीक ने कुछ भी बोले बिना, कुछ भी बोले बिना, क्योंकि लड़की थी, भैया पैसे दे दिए, कुछ भी बोले बिना, आइला अपने को ना पैसे नहीं देते। बट ये देखो ये कितने बंदे, कैसे बंदे होते भाई, ठीक है। ये प्रतीक आपके फ्रेंड की बात कर रहा, मेरी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो इसने क्या किया, श्रुति को पेमेंट कर दिया, आइला श्रुति को पेमेंट कर दिया। अब श्रुति को पेमेंट कर दिया, अब मेरे को ये बताओ अनुराग को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जनरल एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिटर को ऑलरेडी हटा दिया, बीआर को भी ऑलरेडी हटा दिया, तो हमारी बुक में, अनुराग की बुक में कोई भी जनरल एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, नो एंट्री। बट श्रुति गई प्रतीक के पास, और प्रतीक ने बोला पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। क्या बोला? मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो भैया इस केस में मुझे ये बताओ, मुझे श्रुति का अकाउंट फिर से क्रिएट करना पड़ेगा? मतलब मैंने पहले श्रुति को डेबिट कर दिया कि भैया चलो श्रुति को पेमेंट हो गया, मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मेरे को श्रुति को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पेमेंट तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, क्योंकि डिसऑनर हो गया, सामने वाले ने पैसा ही नहीं दिया। और आप बोलोगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल तो पहले से गया, अब पहले से गया, जो बिल्स रिसीवेबल अगर पहले से हटा दिया तो अब हमें थोड़ी क्रिएट करना है, वैसे भी मैच्योरिटी पे हटाना पड़ता है, ठीक है। तो आपका बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से था, पहले था प्रतीक 3000, ठीक है, फिर आई यहां पे श्रुति 3000, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्रतीक को हटाया और क्या कर दिया, बीआर कर दिया 3000 का, ठीक है। फिर आपने क्या किया, दोनों को हटा दिया भाई, कैसे हटाया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये वाली एंट्री से आपने दोनों को हटा दिया, हाँ भैया हटा दिया। बट अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो मेरे को दोनों को वापस लाना पड़ेगा, हाँ मतलब मेरे को क्रेडिटर को वापस लाना पड़ेगा, यानी कि श्रुति को वापस लाना पड़ेगा। तो मेरे को श्रुति को क्या करना पड़ेगा भैया, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे आपको बीआर भी लाना पड़ेगा, बीआर वापस नहीं आएगा क्योंकि मैच्योरिटी खत्म हो गई, तो बीआर किसने दिया था, प्रतीक को, तो मेरे को प्रतीक को वापस लाना पड़ेगा, तो प्रतीक को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा 3000 से। क्या ये चीज आपको समझ में आई बेटा? तो अब मैं यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करूंगा, जनरल एंट्री क्या करूंगा भैया, मैं जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से करूंगा, सुनो, मैं ऊपर का ना ये वाला मैं और अभी तोड़ के समझाने वाला हूं, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, टेंशन नको। अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा भैया, यहाँ पे जनरल एंट्री पे आपका हो जाएगा, मतलब मैं किसको डेबिट करूंगा, प्रतीक को डेबिट करूंगा, यानी डेटर को मैं क्या करूंगा, डेटर, जब भी डिसऑनर होता है ना तब डेटर ऑलवेज डेबिट होता ही है, क्योंकि पहले उसको हटाया था, अब वापिस लाना पड़ेगा। टू क्या करूंगा मैं, टू क्रेडिटर अकाउंट। बट अब देखो एक और ट्विस्ट है इसमें, बहुत इजी सा ट्विस्ट है। अब देखो यहां पे हुआ क्या, अनुराग, प्रतीक, श्रुति, ठीक है, अनुराग ने श्रुति को बिल दिया, श्रुति प्रतीक के पास गई और प्रतीक ने मना कर दिया। अब इसको आया गुस्सा और इसने बोला शायद ये पैसा ना दे तो अनुराग, ठीक है, तो श्रुति ने जाके क्या करवा दिया, नोटिंग करवा दिया, क्या करवा दिया, नोटिंग करवा दिया, ठीक है, रजिस्टर करवा दिया कि भैया मेरे को पैसा लेना है। अब ये नोटिंग चार्जेस पे किसने किए, श्रुति को, बट श्रुति रिकवर किससे करेगी, किससे करेगी भैया रिकवर, भैया वो रिकवर करेगी अनुराग से, और अनुराग किससे रिकवर करेगा, प्रतीक से, अल्टीमेटली बेयर कौन करेगा, प्रतीक बेयर करेगा, यानी कि अनुराग क्या करेगा, ठीक है। श्रुति ने क्या बोला, भैया 3000 तेरे को देने के प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, मेरे को 3100 रुपए चाहिए, तो अनुराग क्या करेगा, क्रेडिटर को कितने से लेके आएगा, 3100 से लेके आएगा, समझ में आया, क्रेडिटर को, मेरे को श्रुति को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 3100 से क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ। अब मैं प्रतीक को, अनुराग प्रतीक को कल के कॉल करेगा और क्या बोलेगा, भाई 3000 तो देंगे प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, तेरे को 3100 देंगे, तो वो भी अनुराग डेटर को कितने से डेबिट करेगा, 3100 से डेबिट करेगा,
यानी कि इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। आप कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक अलग से नहीं दिखाओगे जैसे यहाँ पे दिखाया, क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट किसने किया? श्रुति ने किया, और श्रुति ने बोला कि मैंने नोटिंग करवा दिया है, तुम मुझे सीधा 3100 का पेमेंट करोगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? यहाँ पे नोटिंग कैश एंड बैंक अलग से क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं हम अनुराग है, क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट श्रुति ने किया। श्रुति ने सीधा बोला मेरे को 3100 चाहिए, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया 3100। अब हम थोड़ी ना 100 रुपए बैर करेंगे, हम प्रतीक से मांगेंगे, तो प्रतीक का अकाउंट कितने से डेबिट किया? 3100 से। डेटर अकाउंट डेबिट 3100, टू क्रेडिटर अकाउंट 3100। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया बताओ मेरे को। अगर ये समझ में आ गया है अभी बात करते। देखो अब ये तो ऐसा केस था कि जब आपको श्रुति को 3000 देने थे और आपके पास बिल कितने का था? 3000 का था। मतलब ये अनुराग है और ये कौन है? श्रुति। कितना भैया? 3000 का बीआर दिया और श्रुति का क्रेडिटर मतलब श्रुति एज अ क्रेडिटर कितने थे? 3000। तो सामने सामने सेट ऑफ हो गया। बट क्या ऐसा हो नहीं सकता कि श्रुति को पेमेंट ज्यादा करना है? मतलब हमारे बैलेंस शीट में श्रुति का अकाउंट है 4000 से, मतलब हमें उसको 4000 देने हैं और हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल कितने का? 3000 का। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर ऐसा होगा और अगर मेरे को श्रुति को फुल एंड फाइनल पेमेंट करना है, उसका सेटलमेंट करना है तो अपन क्या करेंगे? श्रुति अकाउंट को तो पहले डेबिट करना पड़ेगा हटाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? जर्नल एंट्री सुनो, श्रुति अकाउंट डेबिट कितना? 4000। टू बिल्स रिसीवेबल कितना भैया? 3000। जितने से क्रिएटिव हो उतने से कैंसिल होगा। और 1000 रुपया मैं कैश में दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? टू कैश में कितना? 1000। क्या समझ में आया? अगर श्रुति को एग्जैक्ट बिल्स रिसीवेबल जितनी अमाउंट लेनी है, तब तो ये ग्रीन वाली एंट्री होगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, श्रुति अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एग्जैक्ट 3000, बात खत्म। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रुति को 4000 लेने हैं। अगर श्रुति को 4000 लेने हैं, तो उसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? श्रुति अकाउंट डेबिट करूंगा 4000 से, टू बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 3 का है, और टू कैश एंड बैंक में कैश में उसको रोकड़ा दे दूंगा 1000 रुपए। समझ में आ गई बात को? ठीक है, अब आप बोलोगे भैया रुको जरा, सुनो जरा, समझाओ जरा। ठीक है, सांस तो लीजिए। देखो सांस लेते हैं और आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ऐसा हो तो जिंदगी में क्या हो। अब देखो, अब तो भैया 2000 रुपए आईला श्रुति को देना है, 2000 मेरे पास है बीआर 3000 का। अगर मैंने, अब मेरे को ये बताओ, क्या आप बिल्स रिसीवेबल को तोड़ के फाड़ के मरोड़ के उसके ऊपर चेक चाक करके बिल्स रिसीवेबल को दे सकते हो? नहीं कर सकते भैया, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है कि कुछ भी करोगे, भैया ये छेड़छाड़ नहीं हो सकती, बिल्स रिसीवेबल है भैया। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट है, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा भाई, आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कि भैया आपने आधा फाड़ के दे दिया, भैया 2000 ले लो इसमें से। अल्लाह, नोट को कभी फाड़ के देते हो क्या? नहीं देते हो, तो ये बिल्स रिसीवेबल को भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपका, अगर आपको देना है तो पूरा 3000 का बिल्स रिसीवेबल दो, अगर नहीं देना तो मत दो। ये लाइन याद आ रही है? ये लाइन फिर से नोट पढ़ो, नोट वाली क्या लिखी है, मैं 10 बार आपको पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, अगर गलती करके आ गए एग्जाम में, ठीक है, तो घर पे आके ना साबुन से धोऊंगा मैं, ठीक है, बिना साबुन के एकदम से धो डालूंगा आपको। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन क्या है? कैन क्रिएट एट अ सेम, कैन कैंसिल एट अ सेम अमाउंट। भैया जिस अमाउंट से क्रिएट हुआ उसी अमाउंट से कैंसिल होगा, यानी कि अगर मेरे को बिल देना है श्रुति को तो मैं पूरी अमाउंट का दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दे पाऊंगा। यानी कि अब मेरे को श्रुति को अगर हटाना है तो मैं क्या करूंगा? श्रुति को हटाने के लिए मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं श्रुति को डेबिट करेगा कितने से? मैं श्रुति को डेबिट करेगा 2000 से, तो श्रुति हट गई। मेरा बीआर जाएगा कितने का? 3000 से। 3000 से बीआर गया, मतलब अभी भी मैंने भैया श्रुति को देना था 2000, बट मैंने बिल्स रिसीवेबल दिया 3000। मैं क्या बोलूंगा? श्रुति चल 1000 रोकड़ा निकाल। तो अगर मेरे को रोकड़ा मिलेगा तो क्या होगा? कैश होगा। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होएगा कि नहीं होएगा? 1000। क्या ये समझ में आ गया? अगर श्रुति को कम देना है बट आपने बिल्स रिसीवेबल ज्यादा का दिया, तो ऊपर की अमाउंट आप कैश में सेटलमेंट कर लो भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको ज्यादा देना है तो कैश में दे दो, अगर आपको लेना है तो भैया कैश में ले लो, अल्टीमेटली कैश में सेटलमेंट हो जाए। आज समझ में आ रही है क्या?
बहुत इजी, एकदम इजी 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 एकदम इजी लेना भाई, एकदम इजी। मेरे को बताओ समझ में आया क्या? चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूं क्या? समझ में आ गया तो बताओ, तो मैं क्वेश्चन पूछूं। आप बोलोगे भैया समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूछते हैं। चलो आप मेरे को ये बताओ, जनरल एंट्री बताओगे, ठीक है? आप जनरल एंट्री मेरे को बताओगे, अगर श्रुति यानी क्रेडिटर है, क्रेडिटर है मेरे पास 1500 का और मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल 2000 का, और मैंने इस बिल को एंडोर्स किया, इस बिल को मैंने क्या किया, एंडोर्स किया, तो मुझे ये बताओ जर्नल एंट्री कौन सी होगी? जर्नल एंट्री मुझे बताइए क्या जर्नल एंट्री होगी। चलो देखते भैया जर्नल एंट्री बताइए मेरी। मेरा बी आर भी गया, मेरा मेरा श्रुति नहीं, श्रुति भी गई, ठीक है, बी आर भी गया, श्रुति भी गई, बता अब क्या करे, अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे भाई? यार आप ना बोल नहीं रहे, ऐसे नहीं मजा आएगा, या मेरी कमेंट अपडेट नहीं हुई, दो में से एक चीज। हाँ हो गया, बताओ क्या जनरल एंट्री मारूं मैं? ठीक है ओके, क्या करेंगे बेटा इसमें अपन? भैया श्रुति को हटाने के लिए श्रुति को पहले डेबिट करो, चलो श्रुति कितना 1500, ठीक है। टू भैया बिल्स रिसीवेबल तो कर ही दो, इधर कर दो, कितना 2000। अब किधर 500 कम पड़ रहा है भैया, इधर तो लिख दो इधर 500, कैसे? कैश एंड बैंक से, जहां पे अमाउंट खुट रही है उसको सेटलमेंट कैसे करेंगे? कैश एंड बैंक से, तो अपने को कैश मिलेगा। हाँ भैया श्रुति को देना था 1500, हमने दे दिए 2000 का बिल, 500 रुपये हम ले लेंगे। श्रुति अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। चलो अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे ये बताओ, अगर बिल 1000 रुपए का था तो जनरल एंट्री क्या होगा? अगर बिल 1000 रुपए का है तो जनरल एंट्री क्या होगा, बताओ रे मेरे को। अब भैया श्रुति को तो वैसे भी 1500 से डेबिट करना ही पड़ेगा हटाने के लिए, हाँ। बिल्स रिसीवेबल कितने से? 1000 से। भैया आपको 500 कहाँ पे? यहाँ पे रखने पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि आपको देना बाकी है। टू कैश एंड बैंक क्रेडिट में होगा, ठीक है, यानी कि आपको 500 कैश में देने पड़ेंगे। मुझे ये बताओ कि आपको ये जनरल एंट्री समझ में आई दोनों वाली? ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कब आएगी भैया? ये एंडोर्समेंट के टाइम आएगी, यानी कि ये मैंने जो ग्रीन वाली एंट्री करी ना बेटा, ये ग्रीन वाली, ये एंडोर्समेंट में क्रेडिटर टू बीआर, वहां पे आपका कैश एंड बैंक में सेटलमेंट आएगा, या तो कैश एंड बैंक में डेबिट आएगा या तो कैश एंड बैंक क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे, कैश एंड बैंक मेरे को बीच में डालना पड़ेगा, इधर डालें, इधर लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, ऐसे कैश एंड बैंक अगर मैं डालूंगा तो सही रहेगा, कैसे करूंगा, कैश एंड बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखता हूं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, फिर मैं क्या करेगा, टू करेगा, टू बिल्स रिसीवेबल। बहुत बढ़िया कुशल, बहुत बढ़िया सुपर, बहुत अच्छा। टू बी आर अकाउंट में लिख देता हूं, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, इफ creditor is, if creditor greater than BR, ठीक है, we will pay in cash। या अगर आपका क्रेडिटर ज्यादा है बिल्स रिसीवेबल से तो आप कैश में क्या करोगे, उसे पेमेंट कर दोगे, एक्स्ट्रा पेमेंट। अब मेरे को इतनी जगह में लिखना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि चार केसेस मुझे इसमें लेके आना है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से
इफ क्रेडिटर इज ग्रेटर देन बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर इज ग्रेटर देन बिल्स रिसीवेबल विल पे इन कैश रिमेनिंग. नहीं यार इतने में मैं कैसे ले गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा. आपको समझ जाना है मेरे को, चलो इससे कुछ लिखता हूँ. डेबिट कैश एंड बैंक को आपको डेबिट करना है. इफ वी विल रिसीव, ठीक है, क्रेडिट if we will pay extra amount, ठीक है, अगर अपने को ज्यादा amount pay करनी है तो if we will receive, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ when bills receivable is greater than creditor, ठीक है, चलो अभी अभी perfectly हो गया, चलो बहुत बढ़िया, चलो तो endorsement का case भी यहाँ पे आपका होता है बेटा, खत्म. और अभी हम बात करते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन के बारे में. कौन सा बेटा? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन. ना वैसे बाहर जाने की जरूरत है नहीं, आ जाएगा इधर. अभी तक कोई डाउट है तो मेरे को बता दो बेटा, ठीक है, और फिर मैं चारों चार केस फिर से समझाने वाला हूं. अभी तक कोई डाउट है तो बता सकते हो. डिस्काउंट का बिल का बाकी अपना, ठीक है, तीन केस हो गए, रिटेन हो गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, एंडोर्समेंट हो गया, ठीक है. डिस्काउंट ऑफ बिल कर देंगे अभी, यानी आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट करवा दिया. डिस्काउंट ऑफ बिल लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड विथ बैंक. आपने क्या कर दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. अब ये क्या चीज होती है, ये अनुराग है, ये प्रतीक है, ठीक है, अनुराग के पास बिल्स रिसीवेबल है, उसकी क्रश का अचानक से, हाँ डिस्काउंट ऑन बिल बाकी है, सॉरी सॉरी, आप थोड़ा सा लाइव नहीं हो मे बी, या थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ठीक है, चलिए आ जाइए, सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा बेटा अभी देखो, अब अनुराग या अनुराग की क्रश का बर्थडे, ठीक है, उसको चाहिए पैसे. और बट ये बिल कितने का था भैया, 3 महीने का, कितने का, 3 months का, और 1 महीने के बाद ही अनुराग को पैसे चाहिए थे, ठीक है. तो अनुराग किसके पास गया, बैंक के पास, और बैंक को बोला मुझे चाहिए पैसे, ये रहा बीआर, आप रख लीजिए और मेरे को कैश दे दीजिए. अब मेरे को ये बताओ बैंक क्या बोलेगा, भैया पैसा कब मिलेगा, बैंक बोलेगा पैसा कब मिलेगा, तो ये जो बिल था उसकी डेट थी 1-1, इसकी मैच्योरिटी कब होगी, 3 महीने के बाद, यानी क्या होगा, मैं नॉर्मली ग्रेस डेज और सब चीजें में सिखाऊंगा, अभी नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही सोचो, 1-4 होगा, ठीक है, ग्रेस डेज सब चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको ऐसे ही समझाने के लिए, 1-1 में 3 महीने ऐड करेंगे, 1-4 हो जाएगा. अब आप कब गए, आप बैंक के पास गए 1-2 को, अब बैंक क्या बोलेगा, भैया आप ना 2 महीने पहले आए हो, मतलब अगर मैं आपको अभी पैसा दे दूंगा तो मेरे को तो यार 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा, ठीक है, मेरे को 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा तो मैं आपको पूरा पेमेंट तो नहीं कर सकता, मेरे को कुछ चार्ज तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को तो 2 महीना वेट करना पड़ेगा और फिर वो पैसा देगा, और अगर नहीं देगा तो वो अलग से एक तो आपके पास मेरे को आना पड़ेगा, तो इस सब के लिए मैं ना चार्ज लूंगा, ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन बिल. क्या बोलते बेटा, डिस्काउंट ऑन बिल. अब ये बैंक जो लेगा डिस्काउंट बिल के ऊपर, ये बैंक के लिए क्या है, इनकम है उनके लिए, तो भैया इनकम ही है ना, ठीक है. अनुराग ने क्या किया, बिल दिया बैंक को, ठीक है, अनुराग गया बैंक में,
बैंक में दिया और बोला ये लो बिल, मेरे को पैसा चाहिए, 3,000 का बिल है, मुझे पैसा दे दो। बैंक ने बोला ये 2 महीने के बाद की मैच्योरिटी है, मतलब आप 1-2 को आए 2 महीने के बाद। अब ये 2 महीने हमारे पास तो पैसा नहीं आएगा, हमें तो आपको अभी देना पड़ेगा। इट्स सिंपल लाइक अ लोन भैया, आप पैसा दे रहे हो 2 महीने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, मतलब दूसरा पर्सन देगा बट आपको तो मिल ही जाएंगे। हाँ भैया, तब आप 2 महीने का कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करते हैं ना बैंक। इसी तरीके से इसको अलग टर्म में बोलते भैया डिस्काउंट, है एक ही टाइप की चीज, ठीक है, बट पहले से काट के देते इसलिए डिस्काउंट नाम इसका पड़ा है, बाकी 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करे, सिंपल सी बात है। तो बैंक ने क्या किया, भैया 2 महीने का हमें कुछ तो आपको चार्ज लगाना पड़ेगा। तो बैंक ने बोला 3,000 के सामने हम आपको देने के लिए रेडी है 2,800। तो अनुराग के पास आएगा कितना, 2,800। अनुराग का 200 का क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो अनुराग के लिए ये कमीशन, ये क्या है भैया, डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो अनुराग एंट्री करेगा एज ए एक्सपेंस, बट यही डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है, इनकम है। तो बैंक की जनरल एंट्री देखेंगे तो वो एज ए इनकम लिखेगा, और अनुराग की एंट्री अगर अनुराग की बुक में देखेंगे तो वो एज ए कैसे लिखेगा भैया, एज ए एक्सपेंस लिखेगा। ये कब की चीज है, ये जब आप डिस्काउंट कराओगे तब की बात है, मतलब जब अनुराग बैंक के पास जाएगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा, 2,800, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,800, क्योंकि उसके बैंक में आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,800। और डिस्काउंट क्या है, खर्चा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200। टू क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल अभी गया आपके पास है नहीं, आपको आपने बैंक को दे दिया। ये हुआ डिस्काउंट विथ बैंक की जनरल एंट्री, ठीक है। उसके बाद 2 केस हो सकती है, बैंक प्रतीक के पास जाएगी, प्रतीक पैसा देगा और प्रतीक पैसा नहीं देगा। अगर पैसा देगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमने बिल्स रिसीवेबल को भी हटा दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, बैंक से पैसे भी ले लिया, मतलब हमें कैश मिल गया वो भी बता दिया, और बिल्स रिसीवेबल को भी हटा दिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको पेमेंट मिल जाता है तो सेम तरीके से यहाँ पे एंडोर्समेंट की तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या आएगा, नो एंट्री आ जाएगा। बट बैंक प्रतीक के पास गई और प्रतीक ने पैसा नहीं दिया, तो अब बैंक किसके पास जाएगी, ऑब्वियसली अनुराग के पास जाएगी। तो बैंक बोलेगी ला भैया पैसे, 3,000 ला, तो अब अनुराग को देना पड़ेगा बैंक को, हाँ, तो अनुराग को क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक को, हाँ, तो 2 बैंक अकाउंट करना पड़ेगा अनुराग को, हाँ करना पड़ेगा। तो अनुराग डेबिट किसको करेगा, ऑब्वियसली जिससे लेना है, लेना किससे, प्रतीक से लेना है, तो अनुराग किसको डेबिट करेगा, प्रतीक को डेबिट करेगा, यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेगा अगर डिसऑनर हुआ तो। हाँ, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अपन यहाँ पे जनरल एंट्री करने वाले हैं, आ जाइए, ये अपना क्या है, लास्ट केस है, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे अपना कैसा जनरल एंट्री होगा वो मैं आपको, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में हैं, ठीक है, पहले मेरे को जनरल एंट्री सिखानी है। चलिए आज ये बेटा अभी अपन बात कर ले, जनरल एंट्री क्या होगी, आपको कैश मिलेगा, यस, तो आप एंट्री क्या करोगे, मतलब बैंक बैंक में आएगा पैसा, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे, हाँ। आपके लिए डिस्काउंट क्या हुआ, खर्चा हुआ, अनुराग हुआ, आप बिल्स रिसीवेबल की एंट्री कर रहे हो एज अनुराग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज योर एक्सपेंस, तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है, यहां पे आपको 2,800 मिले, 200 रुपए उन्होंने काट लिए, और टू क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 3,000। देखो यहां पे भी बिल जितने से क्रिएट हुआ था उतने से ही कैंसल होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लाइन लिखवाई थी आपको। अब ये हो जाने के बाद अगर आपका बिल ओनर हो गया, मतलब बैंक प्रतीक के पास गया और प्रतीक ने पैसा दे दिया, तो आपको उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैंक गई पैसा ले लिया, बात खत्म होगी, आपने तो ऑलरेडी बैंक से पैसा ले लिया, तो आपका ट्रांजेक्शन तो वहीं पे खत्म हो चुका था। तो अब आपकी बुक में, यानी कि अनुराग की बुक में आएगा नो एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया, ये कैसे नो एंट्री होगी भैया, नो एंट्री यहां पे हो जाएगी। बट अगर ये अनुराग है, वो बैंक के पास गया था, ये प्रतीक है, और क्या हुआ भैया, बैंक प्रतीक के पास गया और प्रतीक ने बोला आप कौन है, हम आपको नहीं जानते, आपका कोई काम है, किसका आपको काम है, भैया जाइए घर पे, हम पैसा नहीं देने वाले। अब बैंक किसको, किससे पैसा लेगी, ए से लेगी। अब ए क्या करेगा, ए को बैंक को पैसा देना पड़ेगा, यानी ए बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और ए लेगा किससे, बी से लेगा, यानी वो जनरल एंट्री कैसे करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा, डेटर
अकाउंट, एक सेकंड रुकिएगा, डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे, टू भैया हम करेंगे बैंक अकाउंट करेंगे, क्योंकि बैंक को अपने को पैसा देना है। टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहां पे क्या है भैया, यहां पे ये चीज है कि अगर अगर बैंक ने, जैसे प्रतीक ने मना किया तो बैंक को गुस्सा आ गया और बैंक ने क्या कर दिया, नोटिंग करवा दिया। तो अब नोटिंग चार्जेस पे किसने किया, बैंक ने किया, बट बैंक किससे लेगी, अनुराग से लेगी। यानी अनुराग को बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस, अगर 100 रुपए तो 100, यानी 3100 से ये अनुराग बैंक को क्रेडिट करेगा। और डेटर को कितने से डेबिट करेगा, ऑब्वियसली 3100 से, क्यों, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस बैंक ने दिए। बैंक ए से लेगा, ए किससे लेगा, पी से लेगा, यानी 3000 था प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, यानी कितना, इसका अकाउंट भी कितने से अपन डेबिट करेंगे भैया, 3100। क्या ये चीज आपको समझ में आई, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप बोलो कि भैया बैंक को हमने यहां पे 2800 था, यहां पे 200 था और यहां पे आप बोले भैया 3000, ठीक है, बट आप यहां पे 3100 से क्रेडिट कर रहे हो। भैया आपने डेबिट किया था 2800 से, भैया बैंक से आपको पैसा कितना मिला, 2800। बैंक ने आपको पहले से ही बोला था 200 रुपए का खर्चा आपको लगेगा। आप बोलो तो 3000 के बदले 2800 दे दूं, आपने बोला हाँ भैया दे दो कोई बात नहीं। अब देखो बैंक को कितने मिलने वाले थे मैच्योरिटी पे, 3000, तभी तो बैंक का फायदा हुआ ना 200 का। आपको 2800 देगी और प्रतीक से 3000 लेगी, तभी तो उसको फायदा होगा 200 का, ठीक है। तो 2800 अनुराग को मिल गए, तो अनुराग ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके डिस्काउंट कितना 200 का कट गया, क्योंकि 3000 मिलने थे उससे बीआर के, अब मिले कितने 200 खर्चा गया, 2 बीआर कर दिया। अब जब बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक को मिलना कितना चाहिए, 3000 मिलना चाहिए था, किससे, प्रतीक से, बट प्रतीक नहीं देगा तो किससे लेगी वो, अनुराग से लेगी। तो अनुराग को, अनुराग से कितना लेगी, 3000 लेगी, 2800 थोड़ी लेगी भैया। 2 महीना आपको यूज करने के लिए तो किया, ये फोकट में थोड़ी ना दिया है, 2 महीना आपने यूज तो किया, अब तो मैच्योरिटी पे 3000 ही चाहिएगा ना, वो तो प्रतीक से ले या तो आपसे ले, अगर प्रतीक नहीं देगा तभी तो आपके पास आई है वो बैंक, ठीक है। तो प्रतीक ने 3000 नहीं दिया इसलिए वो आपके पास आई, मतलब आपको 3000 देना पड़ेगा, प्लस अगर बैंक ने कोई नोटिंग चार्जेस करवाया है तो वो भी देना पड़ेगा। समझ में आया, तो अगर 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस है तो 3100 आपको नोटिंग चार्जेस के साथ देना पड़ेगा। तो आप अनुराग क्या करोगे, आप 3100 बैंक को दोगे तो टू बैंक अकाउंट 3100, और आप किससे लेगो, अब ये नोटिंग चार्ज विद अमाउंट 3000 तो वैसे भी आपको लेने पड़े अभी बाकी प्रतीक से, क्यों, क्योंकि उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो 3000 आपको प्रतीक से लेने, तो प्रतीक का अकाउंट डेबिट करोगे 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस भी उसी से लगे, तो आप 3100 से उसका अकाउंट भी डेबिट करोगे, यानी प्रतीक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 3100। आई होप आपको ये अमाउंट समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जनरल एंट्री होगी। मैं सारे केसेस फिर से आपको समझा देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं विथ नोटिंग चार्जेस, विथ नोटिंग चार्जेस, मतलब अगर कोई नोटिंग चार्जेस है तो यहां पे ऐड किया जाएगा, सेम तरीके से यहां पे भी सेम होगा विद नोटिंग चार्जेस, ठीक है। चलिए तो ये चारों चार केस मैंने आपको समझा दिया, मैं फिर से एक और बार फटाफट से रिपीट करवा देता हूं और फिर आप इसे अच्छी तरीके से लिख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। हाँ, जर्नल एंट्री में निरीक्षण लिखना बेटा जरूरी है, लिखना जरूरी है। अब देखो आ जाओ फिर से मैं समझा देता हूँ पूरी की पूरी जर्नल एंट्री, पूरा का पूरा आपका ये जो सिनारियो है वो मैं आपको बेटा समझा देता हूँ, बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत इजी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो आप अनुराग हो, आपने सेल किया, जर्नल एंट्री क्या करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, आप क्या करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, पहली जनरल एंट्री, ठीक है, डेटर टू सेल। दूसरी, डेटर ने आपको बीआर दिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर को हटा सामान की घटा, अब आपकी बुक में क्या आ गया, बीआर आ गया, ठीक है। अब आपने वो रिटेन किया, मतलब अपने पास ही रखा मैच्योरिटी तक, 3 महीने तक अपने पास रखा और 3 महीने के बाद आप प्रतीक के पास दिया और प्रतीक ने पैसा भी दे दिया, मतलब ओनरिंग हो गया, तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी भैया, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर,
आपको बीआर को हटाना पड़ेगा, बीआर के सामने आपको पैसा मिल गया, ठीक है, तो कैश एंड बैंक टू बीआर, बात खत्म। बट अगर आपको पैसा नहीं मिला, आपको पैसा नहीं मिला तो आप क्या करोगे, फिर से प्रतीक का अकाउंट क्रिएट करोगे, तो यार कि डेटर का अकाउंट, तो डेटर अकाउंट डेबिट करोगे, टू बीआर तो ऑलवेज करना पड़ेगा, टू बीआर ऑलवेज आएगा क्योंकि आपको इसको खत्म करना है, तो टू बीआर कर दिया। और टू कैश एंड बैंक आपने किसका किया, अगर आपने नोटिंग चार्जेस दिया है, आप अनुराग हो, ठीक है, आप प्रतीक के पास गए, भैया 3000 दे, उसने नहीं दिया, तो आपने नोटिंग करवाया 100 रुपए का, तो आपको कितना 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो उसका टू कैश एंड बैंक 100 रुपए, टू बीआर 3000, और आप उससे कितना कवर करोगे, 3000 प्लस 100 यानी 3100, डेटर अकाउंट डेबिट 3100, टू बीआर 3000, टू कैश एंड बैंक नोटिंग चार्जेस का हमने जो पेमेंट किया वो 100 रुपए, समझ में आ गया। अब दूसरा केस, ठीक है, ऊपर वाली दो एंट्री सेम रहेगी, आपके पास बिल आ गया, बिल आने के बाद आपने क्या किया, कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया, यानी आपने किसको दिया, बैंक को दिया कि भाई अपना टाइम पे कलेक्ट कर लेना, ठीक है, टाइम पे कलेक्ट करने, तो आपने दिया, तो बीआर तो गया आपके पास से, तो बीआर को तो क्रेडिट, जब भी बीआर जाएगा ना तब क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बीआर इज योर असेट, अगर असेट जाती है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि जब आई तब हमने उसको डेबिट किया कि नहीं किया, देखो यहाँ पे जब आई तब डेबिट किया और डेटर को हटाया, अब डेबिट किया तो उसको हटाना भी पड़ेगा जब जाएगी तब, तो अब बीआर जब जाएगा तब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब आपके पास बीआर है नहीं, आपने बैंक को दे दिया, बट आपकी असेट तो है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसे बोलते हैं टेम्पररी अकाउंट, अपन क्रिएट करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट आपका बन जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, आपने कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा, दो चीज हो सकती है, या तो बैंक प्रतीक से पैसा लेके आएगी या तो नहीं लेके आएगी, अगर लेके आएगी तो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, वेरी सिंपल, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट बैंक ने कुछ कमीशन काट दिया तो वो आपका खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन आपने यहाँ पे डेबिट किया था, ठीक है, कि आपको कलेक्ट करना बाकी है, बट अब तो कलेक्ट हो गया, तो भैया उसको हटा सामान की कटा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पहले आपने असेट दिखाया था, अब आपको उसको नलीफाई करने के लिए, हटाने के लिए आपको जीरो करना पड़ेगा, जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आपने पहले डेबिट किया था, आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट जितना आपको मिला कमीशन, जितना बैंक ने कमीशन काटा, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन जितने से क्रिएट हुआ उतने से ही आपका कैंसिल होगा। इसके बाद दूसरी चीज, यार भैया पैसे नहीं दिए, आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है, अब पैसे नहीं मिले तो बैंक जो थी, बैंक आपने जिस बैंक को दिया था उसने क्या करवाया, नोटिंग चार्जेस करवाया। देखो ये वाला नोटिंग चार्जेस नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन ही आपको देखने को मिलता है, बट अगर बैंक ने नोटिंग करवाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बैंक थोड़ी ना नोटिंग करवाएगी, नोटिंग चार्जेस कौन देगा, आप दोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका डेटर, बैंक को तो सिर्फ आपने कलेक्ट करने के लिए भेजा था, अगर वो कलेक्ट करेगा तो कमीशन काटेगा, अगर नहीं कलेक्ट किया तो कुछ भी नहीं। अब डेटर अकाउंट आप डेबिट करोगे, हाँ, कितना 3000, टू क्या करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि बीआर तो वैसे भी ऑलरेडी गया है, अब आपके पास है क्या, बीएससी, अब बीएससी है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो वही क्रेडिट करोगे ना, बीआर तो ऑलरेडी आपने हटा दिया है, तो टू क्या करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बट अगर आपने नोटिंग करवाया तो वो आप किससे कवर करोगे, डेटर से, तो डेटर का आपको 3000 कलेक्ट करने थे प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो आप उसे डेबिट कितने से करोगे, 3100 से, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 3000, टू कैश एंड बैंक जो आपने नोटिंग चार्जेस के लिए दिए वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस भी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, मैंने बोला नॉर्मली नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता भैया, ठीक है, सेम पहले वाला अकाउंट है वैसा ही है, ठीक है, मेरा थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया दोनों चीजें, हाँ भैया। चलो अब एक और केस रिवाइज कर लेते हैं, एंडोर्समेंट वाला, यानी आपने किसी को दिया, आपको किसी और को पेमेंट करना था कि भाई ले मेरे पास पैसे तो नहीं है, तू बीआर रख ले, अब बीआर जाएगा तो बीआर को क्रेडिट करना पड़ेगा, दिया किसको, सामने वाले को, तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, पहले वो क्रेडिटर होगा, अब उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा भैया, टू बी आर हो जाएगा, बट हो सकता है कि आपको उसको ज्यादा पैसे देने, अगर आपको ज्यादा देने, फॉर एग्जाम्पल आपको 4000 रुपए देने और आपके पास बी आर कितने का है, 3000 का, तो आप क्या दोगे, 3000 बी आर दोगे प्लस ऊपर 1000 रुपए दे दोगे, तो वो अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, हाँ, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 4000, टू क्या करोगे, बी आर 3000, टू कैश एंड बैंक 1000, बात खत्म। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको उसको 2000 ही देना है और आपने उसको बीआर दिया 3000 का, तो आप 1000 रुपए उसे कवर करोगे, हाँ भैया। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना, 2000, कैश एंड बैंक 1000, क्योंकि 1000 आप लोगे ना क्रेडिटर को हटाने के लिए, 2000 कर दिया भैया, वो क्रेडिटर था 2000 का, उसको डेबिट कर दिया तो क्रेडिटर हट गया, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, क्यों, कैश एंड बैंक को डेबिट करोगे भैया, उससे 1000 लोगे और सामने उसको बीआर दोगे, टू बीआर 3000, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2000, कैश एंड बैंक हम उससे लेंगे 1000 रुपए, टू बीआर 3000 रुपए, ये होता है भैया आपका टोटल एंडोर्समेंट वाले का पूरा एडजस्टमेंट। अब हमने उसको दिया, उसने सामने वाले पर्सन से प्रतीक से पैसे ले लिए, ओनर हो गया भैया, खत्म, बात, उसको पैसे लेने थे, उसने ले लिया, हमें क्या भैया, बात खत्म। बट अगर प्रतीक ने पैसे नहीं दिए तो वो तो अपने पास ही आएगा, वो अपने पास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भैया, आएगा, जरूर से आएगा,
वो अपने पास आएगा। देखो ऊपर की जो कैश की सेटलमेंट थी अब तो वो खत्म हो गई, या तो देना था तो दे दिया, लेना था तो ले लिया। अब सेटलमेंट किसकी बात है, सिर्फ बिल की बात की है। तो बिल की सेटलमेंट बाकी होगी, दिल की नहीं बिल की, ठीक है। दिल की सेटलमेंट करने में बिल रह जाएगा भाई, तो पहले बिल की करो, फिर दिल की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। अब बिल की सेटलमेंट अगर आपकी बाकी होगी तो अब आप पैसे किससे लोगे, डेटर से लोगे। प्रतीक को बोलोगे भैया पैसे ला, तो डेटर का अकाउंट क्रिएट करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू जिसको देना था। अब उसने बोला भैया पैसे नहीं मिले, अब तुमको देना पड़ेगा। हम बोलेंगे ऑब्वियसली देना पड़ेगा भाई तेरे को मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बट क्रेडिटर बोला प्रतीक भाई ठीक है आपने बीआर दिया ठीक है, बट ना मेरे को भरोसा नहीं है, मैंने नोटिंग चार्ज करवा दिया है, मैंने नोटिंग करवा दिया है और उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो हम उसको चार्ज भी तो देंगे, हम उसको देंगे बट हम अल्टीमेटली रिकवर किससे करेंगे, अगर डेटे से करेंगे। तो डेटर अकाउंट डेबिट 3100 टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। 3000 का बीआर प्लस 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस। आप बोलोगे भैया बीआर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बीआर क्यों नहीं आवा, 2100 रुपए बीआर यहाँ पे आपने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है टू बीआर करके, देखा दूसरी बार थोड़ी ना आएगा बेटा, ठीक है। एक ही बार बीआर क्रिएट हुआ, एक ही बार कैंसिल होगा, ठीक है। आप बोलोगे तो भैया यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बीएससी आया, बीआर तो यहाँ पे निकल गया, लुढ़क गया कि नहीं। हाँ, तीन केसेस आपको समझ में आ गया। अब आता है डिस्काउंट विद बैंक, यानी आपने बैंक से डिस्काउंट किया, आपको अर्ली पेमेंट चाहिए था, जल्दी पैसा चाहिए था, आपने क्या किया बैंक को बोला भैया मेरे को पेमेंट दे, तू ये बिल रख। तो आप क्या करो, आपके बैंक में पैसा आएगा, हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो डिस्काउंट कुछ कमीशन काटेगा तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर जितने अमाउंट से था, मतलब 3000 की जगह आपको 2800 मिले तो बैंक अकाउंट में कितना आया 2800, बैंक अकाउंट डेबिट 2800, 200 रुपए आपका खर्चा डिस्काउंट का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल कितना हो जाएगा बेटा आपका, बिल्स रिसीवेबल आपका हो जाएगा 3000 का, ठीक है। अगर बैंक गई और प्रतीक से पास से पैसा लेने गई और प्रतीक ने पैसा भी दे दिया, बात खत्म हो गई भैया, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं आएगी। बट पैसा नहीं दिया भैया, प्रतीक ने पैसा नहीं दिया तो बैंक किसको पकड़ेगी, आपको पकड़ेगी, बैंक किसको पकड़ेगी, आपको पकड़ेगी। और बैंक ने अगर नोटिंग करवा दिया तो नोटिंग चार्जेस किससे लेगी, आपसे लेगी। तो आपको बैंक को कितना देना पड़ेगा, बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस टू बैंक, कितना करोगे बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस, मतलब 3000 प्लस 100 रुपए का खर्चा, तो आपको 3100 बैंक से देना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट कितना कर दिया, 3100 कर दिया, ओके। और डेटर अकाउंट को डेबिट काई को किया, क्योंकि हम उससे 3000 थोड़ी ना लेंगे, 100 और भी लेंगे, तो डेटर को कितने से डेबिट किया, 3100 से। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3100। आई होप आपको समझ में आया, ये चारों चार केसेस आपके सामने है। इतनी जनरल एंट्री है बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल वाली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से लिख सको, क्योंकि यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद इन 5 मिनट्स मेरा एक और सेशन है तो मुझे वो शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको और लिखने का टाइम यहाँ पे दे देता। बट मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ बेटा, और जूम का भी ट्राई करता हूँ कि अगर एक ही में आ जाए। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अब इसका भी ले लो, ठीक है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं भैया, यहाँ पे अपन इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ये जर्नल एंट्री नेक्स्ट सेशन को देखने से पहले प्लीज बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल वाली जर्नल एंट्री एंड बेसिक वाला जो मैंने जितना भी लिखा है उसे प्लीज देख लेना, फिर मत बोलना कि क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, प्लीज देख लेना। उससे देखे बिना, उससे दो तीन बार पढ़े बिना आगे के सेशन मत देखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।